सो अभी हम देहरादून से मसूरी रोड पे मसूरी की तरफ जा रहे हैं। मौसम बहुत ही खुशगवार है, थोड़ी बदली का माहौल है, आज धूप बिल्कुल भी नहीं है, बाहर ठंड काफ़ी है। पहाड़ों की रानी मसूरी के लिए जाती हुई ये खूबसूरत सड़क, गढ़वाल रीजन में ये मेरी पहली यात्रा है इस ट्रैक पर। आज का खूबसूरत मौसम, यारों का संग और ये खूबसूरत सड़कें, मसूरी की हसीन वादियाँ आज के हमारे इस टूर में चार चांद लगा रही हैं। और हमने म्यूजिक सिस्टम पे पुराने गाने बजा रखे हैं, बिल्कुल रूमानी मौसम हो रहा है। और हम पहुँचे हैं रोपवे टू भट्टा फॉल एडवेंचर एंड इंटरटेनमेंट पार्क, खूबसूरत छोटा सा टूरिस्ट स्पॉट। इधर हमारा पूरा जो है उल्लू कर चुका है, क्योंकि हम जहाँ से मुड़े थे 8 किलोमीटर केम्प्टी फॉल का साइन बोर्ड लगा हुआ था, 7-8 किलोमीटर आने के बाद हमको पता चल रहा है कि यहाँ से अभी 21 किलोमीटर है केम्प्टी फॉल। और अब काफ़ी लेट हो चुका है तो केम्प्टी फॉल अभी जाके कोई फ़ायदा नहीं है, ऑलरेडी टूरिस्ट पैक हो चुका है, तो जाम वगैरह भी है आगे। कुछ लोकल्स मिले थे जिन्होंने हमको बताया कि अभी जाने का वहाँ कोई फ़ायदा नहीं है, एक तो रात हो जाएगी, दूसरा वापस रिटर्न भी नहीं आ पाएंगे। तो हम यहीं से जो है वापस जा रहे हैं मसूरी, और केम्प्टी फॉल का प्लान जो है वो कल देखेंगे सुबह दिन में। अभी फ़िलहाल हम माल रोड पे आज की शाम बिताएंगे। फाइनली मैं पहुँचा हूँ मसूरी लाइब्रेरी चौक पे, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं पूरा लाइब्रेरी चौक। मौसम काफ़ी चिल्ड है, ठंड काफ़ी हो रही है, सर्द हवाएं चल रही हैं, और हम यहाँ घूमने का, टहलने का, वॉक करने का मज़ा ले रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत दृश्य है यहाँ का, और यहाँ से बिल्कुल हटने का मन नहीं कर रहा है, ठंड काफ़ी लग रही है, लेकिन आज संडे है और न्यू ईयर का टाइम है, इसलिए पूरा स्टेशन पैक हो चुका है, चारों तरफ टूरिस्ट ही टूरिस्ट दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही चहल पहल, रौनक शहर की बढ़ी हुई है, बहुत मज़ेदार। और यहाँ इस चौक पर समय बिताना जो है मैं शब्दों में बता नहीं सकता हूँ, बहुत ही ऑसम फीलिंग है ये। आप ये वीडियो तो आज ही डलेगी भैया, जैसे ही सिग्नल आएगा। Thank you.